आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज्जा फ्राइज की रेसिपी। इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से तैयार किया है, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बनाना। बोनलेस चिकन है 250 ग्राम। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दूंगी और 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, अगर पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर लें। 5 से 6 अदद मैंने मीडियम साइज के आलू लिए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर ऐड किया। 1/4 कप के करीब मैंने इसमें मैदा ऐड किया। अच्छे से मिक्स करके इसको गर्म ऑयल में जो है फ्राई कर लेना। आलू को हमने 50% तक फ्राई करना। अब मैं इसको निकाल लूँगी और अच्छे से जो है इनको ठंडा कर लूँगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब मैं इसको मैदा लगा लूँगी। 10 सेकंड के लिए मैं इसको पानी में डिप करूँगी और दोबारा से 1 लेयर मैदे की जो है लगा लूँगी। इस तरीके से सारे चिकन पर मैं मैदा लगा लूँगी। आलू के चिप्स भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो इसको मैं अब दोबारा से फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से चिप्स अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अब मैं यहाँ चिकन भी फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर में फ्राई करूँगी तेज़ आंच पर, उसके बाद मैं हल्की आंच कर दूँगी। चिकन की साइड जो है फ़ौरन चेंज नहीं करनी, इस तरीके से क्रम्स जो है उतर जाएंगे। पहले एक साइड अच्छे से पका लें, फिर दूसरी तरफ जो है आप साइड चेंज करें। अब पैन में 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड कर दूँगी और 1/2 टेबल स्पून मैदा। लो फ्लेम पर इसको 1 मिनट के लिए पका लूँगी। अब मैं इसमें दूध ऐड करती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। 1 कप टोटल दूध मैंने डाला है इसमें। अब इसमें वाइट पेपर मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून और चिली फ्लेक्स मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून ओरिगैनो और उसके अलावा आप मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, मोज़रेला या फिर चेडर, या आप दोनों भी ऐड कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि पहले तो बटर में नमक था, उसके अलावा चीज़ में भी नमक होता है। सॉस अच्छे से रेडी हो चुकी थी, अब मैं चिकन के पीसेस कर लूँगी। चिकन के जितना छोटे आप पीस करना चाहें कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं फ्राइज डालूँगी, उसके बाद मैं चीज़ सॉस डाल दूँगी। इसके अलावा केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो मायोनीज भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं चिकन की लेयर लगा लूँगी, उसके बाद दोबारा से सॉस ऐड कर दूँगी। अब इसमें मोज़रेला एंड चेडर चीज़ ऐड कर दूँगी मैं। टॉपिंग आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल से कर सकते हैं। 180 डिग्री पर मैंने इसको बेक कर लिया था 20 मिनट्स के लिए। अगर ओवन नहीं है तो आप चूल्हे पर भी इसको प्री हीटेड पतीले में गर्म कर सकते हैं, या फिर आप माइक्रोवेव में जो है 3 मिनट्स के लिए आप इसको बेक कर सकते हैं।